हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया से रिलेटेड हम 3 लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का बेसिक आप देख लीजिए, द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म। है ना, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव को आप हिंदी में कहेंगे क्रमणीय नियम, इसके क्रम का कोई असर ना पड़े। आपने सुना भी होगा क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम, इसको इंग्लिश में कहो तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से पहले समझेंगे। आपने बचपन से ही एक चीज तो पक्का सुनी होगी कि नेचुरल नंबर पे किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड कीजिए, 2 + 3 कितना आएगा, 5, या इनका ऑर्डर चेंज कर दो। देख रहे हो ना, क्रम विनिमेय, क्रम मींस ऑर्डर है ना, इनका क्रम चेंज कर दो। मैं इनका क्रम चेंज कर दे रहा हूँ, 3 + 2 ये कितना आ जाएगा, ये भी वापस 5, देख सकते हो। यानी कि नेचुरल नंबर पे प्लस के तहत किन्हीं दो नंबर्स को आप इंटरचेंज कर देते हो, उनका ऑर्डर चेंज कर देते हो, तो रिजल्ट सेम रहता है फिर भी, है ना। जब भी ये प्लस, जब भी कोई संक्रिया किसी सेट पर इस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करे, मींस उनका क्रम चेंज करने पर रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, इस जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमेय नियम। ठीक है, अब ये तो आपके पास एक स्पेसिफिक सेट नेचुरल लिया था और ये स्पेसिफिक ऑपरेशन प्लस लिया था, ठीक है ना। आप यही चीज इनटू पे भी देख सकते थे, है ना। यानी कि अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहूँ तो जो प्लस है ना, बाइनरी ऑपरेशन प्लस एन पर कम्यूटेटिव है कहूँगा, यानी कि क्रम विनिमेय ही है। ठीक, उसी प्रकार से इनटू की अगर बात करूँ तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6, और क्रम चेंज करके 3 × 2 कितना आएगा, 6। यानी कि इस सेट n पर इस इनटू के तहत, है ना, अगर आप एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इस सेट n पर ये इनटू क्रम विनिमेय कहते हैं, जब ऑर्डर चेंज कर दे रहे हो फिर भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम आ रहे हैं, तो आप कहोगे उस सेट पर वो संक्रिया क्रम विनिमेय है। ठीक, अब ये तो हमने किसी पर्टिकुलर सेट और पर्टिकुलर संक्रिया की बात की, हम एक जनरल कहेंगे, जनरल वे में हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं क्रम विनिमेय, तो क्या कहूंगा मैं कि आपके पास नेचुरल के बदले कोई सेट ए ले लूंगा, जनरल सेट ए, कुछ भी हो सकता है ये सेट। ठीक, और इनटू प्लस के बदले कोई एक संक्रिया में स्टार ले लूंगा। ठीक, फिर कहूंगा कि अगर इस सेट ए पर इस स्टार के तहत ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए, कौन सी, ए स्टार बी बराबर इनका क्रम चेंज करके बी स्टार ए, अगर ऐसा हो जाए किसी सेट ए पर संक्रिया स्टार के तहत ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए, तो मैं कहूंगा ये जो स्टार है ए पर क्रम विनिमेय है। ठीक, और ये केवल दो एलिमेंट्स के लिए नहीं है ना, सेट ए से कोई भी दो मेंबर उठा लो, है ना, उनके लिए प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, मीन्स 100% फॉलो होनी चाहिए। ए से मैं कोई भी दो एलिमेंट स्वेच्छा से रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट में उठा दूं, है ना, उनके लिए प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, फॉर ऑल है ना। तो फॉर ऑल का मीनिंग आप जानते हो, हर एक के लिए ऐसा होना चाहिए, हर एक ए बी के लिए, है ना, ए की जगह में कुछ भी चूज कर लूं ए से और बी की जगह में कुछ भी चूज कर लूं सेट ए से, तो हमेशा उसने इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि स्टार सेट ए पर क्रम विनिमेय है।
स्टार ए पर क्रमिक है। यहां जो ये इनटू है नेचुरल नंबर पे क्रमिन्वी है, कब कहा हमने, जब हर एक एलिमेंट ने ऐसा फॉलो किया, केवल टू थ्री नहीं किया, टू थ्री नेचुरल है उनके लिए तो फॉलो हो ही रहा है। इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर टेन रखिए, इलेवन रखिए, कितना आएगा 110। उसी प्रकार से इनका ऑर्डर चेंज कीजिए, 11 × 10 तब भी कितना आएगा 110। कहने का मीनिंग है कि इस नेचुरल में रहने वाले किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए कह रहे हैं कि इनटू एन पे क्या है क्रम इनमें। उसी प्रकार से हमने फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए किन्हीं भी दो मेंबर को उठाया और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो और ए बी की जगह मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 100% सेटिस्फाई करना चाहिए। ये नहीं कि किन्हीं दो एलिमेंट के लिए आपने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दिया, अदर के लिए नहीं हो पा रही है, तब आप क्रम इनवे नहीं कहोगे। क्रम इनवे कब कहोगे कि मैं ए से दो दो एलिमेंट की जोड़ी के रूप में, दो दो एलिमेंट की जोड़ी के रूप में कोई भी जोड़ी उठाऊं, उस जोड़ी ने इस नियम को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक, तब जाके कहेंगे स्टार सेट ए पर क्रम इनवे, ठीक। तो आप डेफिनेशन लिखिए, फिर समझ में आ गया होगा क्रम इनवे आखिरकार किसको कहा जाता है, ठीक है। तो क्रम इनवे नियम, इसमें आप डेफिनेशन लिखना, समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम इनवे कहलाएगी, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव कहलाती है, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और ये किसी एक स्पेसिफिक जोड़ी के लिए नहीं, कोई भी जोड़ी उठा लूं मैं ए से, उस जोड़ी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए 100%, यानी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक। अगर मैं सेट ए से किन्हीं भी दो एलिमेंट की, है ना, किन्हीं भी दो एलिमेंट की जोड़ी उठाऊं, तो उस जोड़ी ने इस नियम को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके स्टार सेट ए पर क्रम इनवे करे, ठीक। ये तो एक प्रॉपर्टी होगी, है ना। एग्जांपल आप लिख सकते हो, जो नेचुरल नंबर जो आपके पास प्लस है नेचुरल नंबर पे क्रम इनवे होता है, या फिर इनटू नेचुरल नंबर पे क्रम इनवे होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार प्लस आप जेड पे ले लीजिए या आर पे ले लीजिए, तब भी क्रम इनवे होता है। इनटू जेड पे ले लीजिए, आर पे ले लीजिए, वहां भी क्रम इनवे होता है, ठीक है ना। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल क्रम इनवे के मिल जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य नियम। इस प्रॉपर्टी को भी आपने बचपन से अभी तक खूब सुना होगा, साहचर्य नियम। दूसरा आता है इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए साहचर्य नियम। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर से एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए, फिर से नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं, नेचुरल नंबर का सेट लिया, इसमें मैंने कोई भी तीन मेंबर ले लिए, 2+3+5 कर लिया, ठीक। इनका रिजल्ट देखो, बॉड मास रूल से आप जानते हो ना, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व किया जाता है, यानी कि 2+3 कितना आएगा 5, 5+5 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, 3, 5 को एक साथ ऐड करता हूँ, अब देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, 3+5 कितना होगा 8, 8+2 10, यानी कि ब्रैकेट आप पहले इन दो को, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 और 3 को ऐड किया फिर 5 में ऐड किया, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 को 3
और 5 में ऐड किया, इसका मीनिंग समझ लो ना, 2 3 को ऐड किया फिर 5 में ऐड किया, यहाँ 3 5 को ऐड करके 2 में ऐड किया, मींस आप क्या कहने का मीनिंग है कि किन्हीं भी दो को एक साथ एसोसिएट कर लो, किन्हीं दो को एक साथ एसोसिएट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किन्हीं भी दो को एक साथ एसोसिएट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। साथ चलिए नियम को ही हम ब्रैकेट शिफ्ट वाली प्रॉपर्टी कहें तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स में आप ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, उससे रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े, तो उस संक्रिया, जैसे यहाँ संक्रिया क्या है प्लस, को उस सेट एन पर साहचर्य नियम कहेंगे, या साहचर्य नियम को फॉलो करता है ऐसा कहेंगे, ठीक। जैसे आपके पास प्लस एन पर क्या है साहचर्य, ऐसे आप इनटू में देख लीजिए, है ना, इसी नेचुरल नंबर पे अगर मैं इनटू करूं 2 × 3 तब जाके × 5 करूं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 × 3 6, 6 × 5 30, उसी प्रकार से आप देखो ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, 3 5 में अगर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं 2 × 3 × 5 तो कितना आ जाएगा, देखो 3 × 5 15, 15 × 2 30, देख सकते हो, ये आपके पास जो संक्रिया थी स्टार और इनटू है यहाँ पर, ठीक, जो संक्रिया थी इनटू, ये नेचुरल नंबर पे साहचर्य है, नेचुरल नंबर पे क्या है साहचर्य, क्योंकि ब्रैकेट में किन्हीं भी दो के साथ एसोसिएट कर दूं रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक हो गया। यानी कि ब्रैकेट आप शिफ्ट कर लो तो भी रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, साहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो अब इन्हीं से संबंधित अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ किसी सेट ए और संक्रिया स्टार के लिए, तो क्या लिखूंगा, नेचुरल नंबर, इसके बदले मैं कोई सेट ए ले लूंगा, ठीक, जो यहाँ प्लस इनटू ले रहा था उसकी जगह एक जनरल सी संक्रिया कुछ भी ले लिया स्टार, ठीक। अब ये संक्रिया स्टार इस ए पर, इस समुच्चय ए पर साहचर्य है, कब कहलाएगी, जब ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी फॉलो करे, ए स्टार बी स्टार सी बराबर, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो आप, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक हो गया। कोई भी द्विआधारी संक्रिया स्टार समुच्चय ए पर साहचर्य कहलाएगी यदि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले इन दोनों को ऑपरेट किया फिर इसके साथ ऑपरेशन करवाया, या पहले इन दो को ऑपरेट करवा के इसके साथ ऑपरेट करवाया, रिजल्ट सेम आया, ठीक। और ये ए बी सी कोई स्पेसिफिक नहीं होंगे, यानी कि ए से कोई भी तीन मेंबर, किन्हीं पर्टिकुलरली तीन ही मेंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए से मैं चाहे कोई भी मेंबर उठा लूं 100%, ए से मैं कोई भी तीन मेंबर की जोड़ी उठा लूं, हर एक जोड़ी ने सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक जोड़ी ने सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, है ना, यानी कि इस सेट ए से मैं तीन एलिमेंट की कोई भी जोड़ी उठा लूं, तीन मेंबर्स की कोई भी जोड़ी उठा लूं, हर एक जोड़ी ने ये नियम सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि स्टार ए पर साहचर्य नियम को फॉलो करता है, यानी कि साहचर्य है, ठीक। तो इसको अब डेफिनेशन रूप में लिखिए, इसी को अगर मैं डेफिनेशन के रूप में लिखवाऊं तो आप ऐसे लिखोगे, समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया, समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया स्टार, द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य कहलाती है, साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी, पहले दो में ब्रैकेट, इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट दो में ब्रैकेट, ठीक। और ये किसी खास जोड़ी के लिए नहीं, कोई भी जोड़ी उठा लो ए से, सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए,
ए बी सी बिलोंगिंग टू, ठीक, आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। शायद आपने पहले भी सुना होगा इनका नाम, पहले से आपको आता भी होगा, ठीक है। अब हमने स्पेसिफिक द्विआधारी संक्रिया के लिए इन दोनों प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन क्रमान्वय है तथा कौन सहचर्य है, ठीक। पहला पार्ट है इसका जेड में, जो समुच्चय दे रखा है वो जेड दे रखा है, मैं ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, यानी जो द्विआधारी संक्रिया है, सेट तो आपको जेड दे रखा है। द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, अपने शब्दों में कहोगे तो पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला माइनस दूसरा, ठीक। तो आपने बताना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समुच्चय बराबर जेड, आप लिखना दिया गया समुच्चय बराबर जेड, फिर लिखना द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट, किस रूप में दिया स्टार, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ठीक। अब आपको चेक करना है कि ये साहचर्य है और क्रम विनिमेय है या नहीं, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ये पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। देखो जितने भी पार्ट आएंगे उनमें आप साहचर्य और क्रम विनिमेय चेक करोगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन ऊपर था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए फिर ए स्टार बी ए माइनस बी दे रखा आपको, ठीक, इक्वेशन वन कह दूं मैं। अब मुझे दिखाना होगा क्रम विनिमेय के लिए क्या दिखाना होता है, इनका मैं क्रम चेंज कर दूंगा, ए बी का अगर मैं क्रम चेंज कर दूं, ठीक है ना, तो भी ए माइनस बी रिजल्ट आना चाहिए, तब जाके क्रम विनिमेय कहलाएगा, ठीक है। तो क्रम विनिमेय जब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, देखो क्रम विनिमेय की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये लिखा था ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, ए स्टार बी इज इक्वल टू, चलो इसको इक्वेशन मत कहो, बात को देंगे अभी, ए स्टार बी हमने क्या कहा था, बी स्टार ए, अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर आ जाता है तो आप जाके जो स्टार होता है ए पर द्विआधारी संक्रिया होती है, ठीक हो गया। तो यानी कि कुल मिला के मुझे कम्यूटेटिव दिखाने के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है, दो एलिमेंट की, जबकि साहचर्य में क्या था, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, ये दिखाना था ए स्टार बी का स्टार सी के साथ ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा दिखाना होता, ठीक। यानी कि साहचर्य के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है आपको, तीन एलिमेंट, ठीक, और कम्यूटेटिव के लिए दो। तो मैं कोई दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लूंगा जेड से, उसके लिए दिखाऊंगा कि ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर है, तब जाके कम्यूटेटिव होगा, ठीक। साहचर्य के लिए दिखाना होगा ब्रैकेट शिफ्ट करने पर कि नहीं, तीन मेंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपने इतना लिख दिया होगा, दिया गया समुच्चय बराबर जेड, दी गई संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए माइनस। तो अब मैं क्रम विनिमय चेक करूंगा, आप हेडिंग लिखना क्रम विनिमय, यानी कि कम्यूटेटिव, इसके लिए कितना मेंबर चाहिए आपको, दो, फॉर ऑल, या ऐसा कह सकते हैं माना ए कॉमा बी, माना ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक। अब ए स्टार बी निकालिए, ए स्टार बी कितना कह रहा है, पहला माइनस दूसरा, इसको मैं इक्वेशन वन बोल रहा हूँ, ठीक। क्रम विनिमय दिखाना है तो इन दोनों का क्रम चेंज कर दूंगा मैं बी स्टार ए दिखाऊंगा। देखो जैसे पहला माइनस दूसरे द्वारा डिफाइंड है ना, यहाँ पहला कौन हो जाएगा, बी, पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। देखो क्या ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होता है, किस पे, इंटीजर्स पे, क्या इंटीजर में ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होगा, ऐसे सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल ले लें, टू माइनस थ्री माइनस वन, उल्टा क्रम कर दो, थ्री माइनस टू वन, क्या माइनस वन और वन जेड पे समान होते हैं, नहीं होते हैं, माइनस वन अलग चीज है, वन अलग चीज है, ठीक है। तो ये आपके पास सही नहीं है, मीन्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे से लिखना
समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से क्या लिखोगे, ए स्टार बी इक्वल नहीं है बी स्टार ए के, ठीक। अतः स्टार ए पर क्रम विनिमेय नहीं है, ठीक। अब ऐसे ही साहचर्य चेक करेंगे, साहचर्य है या नहीं, पॉज करके नोट कर लो आप। अब साहचर्य की बात करते हैं, दूसरी एडिंग डालना साहचर्य, साहचर्य के लिए आपको कितने मेंबर चाहिए, तीन मेंबर चाहिए, ठीक। एबीसी मान लेता हूं, फिर मैं माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू ए, ओ सॉरी पिछली बार भी ए तो नहीं लिख दिया था, देखो सेट जेड दे रखा है इस बार, अगर पिछले वाले में कम्यूटेटिव में अगर ए लिख दिया तो उसको आप जेड कीजिए, क्योंकि इंटीजर सेट आपको जेड दे रखा है ना कि ए, ठीक। पीछे करेक्ट कीजिए अगर ए लिखा है तो, माना ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड। अब मुझे क्रम विनिमेय दिखाना है तो पहले दो को एक साथ, फिर उसका ऑपरेशन तीसरे मेंबर के साथ करूँ, ठीक। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ए स्टार बी पहला माइनस दूसरा, ठीक। पहला माइनस दूसरा ये सॉल्व हो गया, फिर इसका स्टार है अगले के साथ सी के साथ, ठीक है ना। देखिए जो भी स्टार है डिफाइंड किसके लिए है, दो इंटीजर ना, ए भी इंटीजर होना चाहिए तब जाके स्टार डिफाइंड होगा। अब देखो यहाँ भी अगर मैं इसको पहला मेंबर मानूं और इसको दूसरा, सी तो मैंने इंटीजर लिया था लेकिन ये भी इंटीजर होना चाहिए तब तो ये डिफाइंड हो पाएगा ना, क्योंकि सेट जेड पे डिफाइंड है स्टार, ठीक। तो देखिए ए माइनस बी, ए और बी क्या है इंटीजर, उन दोनों का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, यानी ए माइनस बी अपने आप में इंटीजर है, सी आपके पास इंटीजर है, उन दोनों के बीच में स्टार है, यानी कि फुली हम इस रूल को लगा सकते हैं इस पर, इसको एक मेंबर मान लिया और इसको दूसरा मेंबर मान, ठीक है, इसको एक मेंबर मान सकता हूँ क्योंकि ये इंटीजर है, जो स्टार है डिफाइंड किस लिए कि किस सेट पर है वो स्टार पे, तो ए माइनस बी ने भी ओ सॉरी किस पे है जेड पे, तो ए माइनस बी आप जानते हो अगर ए और बी इंटीजर हैं तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर होता है, क्योंकि जेड पे जो माइनस होता है द्विआधारी संक्रिया होती है, द्विआधारी का अर्थ क्या होता है, रिजल्ट वापस उसी सेट से आता है, यानी ए और बी आपके पास जेड के मेंबर है तो ए माइनस बी भी जेड पे ही रहेगा, ठीक। ये जेड पे रह रहा है, सी तो पहले से जेड पे था, ठीक है, यानी ये पहला इंटीजर ये दूसरा इंटीजर उन दोनों के बीच स्टार लगा हुआ है, फिर उसी रूप में डिफाइंड होगा, ए स्टार बी किस रूप में डिफाइंड है, पहला माइनस दूसरा, यहाँ भी उसी रूप में डिफाइंड होगा, पहला माइनस दूसरा, पहला कौन ए माइनस बी, पहला पूरा आ गया है ना, माइनस दूसरा, कुल मिला के कितना आ गया फिर ये ए माइनस बी माइनस सी, इसको इक्वेशन थ्री कह दूं मैं, क्योंकि वन टू में ऊपर वाले में कह चुका था ना, चलो इसको मैंने थ्री कह दिया। अब देखो साहचर्य दिखाने तो ब्रैकेट शिफ्ट करना होगा, ब्रैकेट शिफ्ट करना होगा, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख दे ए स्टार बी स्टार सी, ठीक। अब देखिए पहले इन दो को सॉल्व करूंगा फिर इसके साथ ऑपरेट करूंगा, तो ए स्टार तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। बी स्टार सी को सॉल्व कीजिए इस रूप में, क्या है डिफाइंड, पहला माइनस दूसरा बी माइनस सी, ठीक हो गया। अब देखो बी इंटीजर सी इंटीजर उन दोनों का डिफरेंस, दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, ठीक, यानी कि ये पूरा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी कि ये पहला इंटीजर हो गया, ये पूरा दूसरा इंटीजर मान सकता हूँ। उस रूप में स्टार आप कैसे डिफाइंड होगा, फिर पहला माइनस दूसरा करके डिफाइंड है, तो यहाँ पर पहला कौन हो जाएगा ए, दूसरा कौन हो जाएगा बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर ये ए माइनस बी माइनस सी, ओपन कीजिए कितना आएगा ए माइनस, है ना, ये माइनस आएगा तो माइनस बी बना देगा इसको, है ना, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस सी को प्लस सी बना देगा, इसको आप इक्वेशन फोर कहिए। वीडियो में दिख रहा है क्या वहां तक, इक्वेशन फोर, ठीक है।
इक्वेशन फोर कहती है। देखो अब देखो तो जब मैंने ब्रैकेट शिफ्ट किया क्या दोनों रिजल्ट सेम आया, ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ देखो ए माइनस बी तो आ रहा है, यहाँ प्लस सी हो जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या जा रहा है प्लस सी, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस सी, दोनों इक्वल कहाँ हुए फिर? ये अलग है ये अलग है, दोनों इक्वल नहीं आए। तो लिखना समीकरण तीन और चार से, समीकरण तीन चार से समीकरण तीन व चार से, तीन और चार से क्या लिखोगे? ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना? ब्रैकेट शिफ्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो अलग अलग आया, इसका मीनिंग साचर्य नहीं। अतः स्टार किस पर? जेड पर, सेट आपको जेड दे रखा। अतः स्टार जेड पर, अगर ऊपर ए लिखा था ना पिछले प्रीवियस में कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी में, उसको ए की जगह जेड करना है क्योंकि आपको समुच्चय जेड दे रखा है। अतः स्टार जेड पर साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो ये आपके पास स्टार जेड पर ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही साहचर्य, नहीं एसोसिएटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट इसने दे रखा है, सेट क्यू दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन। क्यू पर है, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका, यहां लिखो सेट आपको क्यू दे रखा है इसने, क्यू में ए स्टार बी, क्यू में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए फिर। देखिए इसके सॉल्यूशन पे आपको जो समुच्चय दे रखा है वो कौन है इस बार? क्यू। क्यू क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। पी क्यू इंटीजर होते हैं, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप लिखना दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्यू, जो समुच्चय दे रखा है वो क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर लिखना दी गई संक्रिया स्टार, दी गई संक्रिया स्टार सच दैट, स्टार सच दैट किस रूप में डिफाइंड है? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करके प्लस वन कर देता है। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की बात करें। ठीक, पहले कम्यूटेटिव की बात कर लेते हैं, यानी कि क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय की बात करते हैं। देखिए क्रम विनिमेय के लिए आपको दो एलिमेंट चाहिए, सेट के दो एलिमेंट। इस बार सेट कौन है? क्यू। तो क्यू से आप दो एलिमेंट मान लीजिए, माना ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक, फिर आपको क्या दिखाना होगा? ए स्टार बी, देखिए पहला स्टार दूसरा किस रूप में डिफाइंड है? दोनों का प्रोडक्ट करके वन ऐड कर दे रहा है वो, यानी कि ए बी प्लस वन, इसको आप इक्वेशन वन कहिए। अब इनका दोनों का ऑर्डर चेंज कीजिए, बी स्टार ए क्या करेगा? आप ये दोनों का प्रोडक्ट करके प्लस वन कर देगा, दोनों का प्रोडक्ट बी इंटू ए बन जाएगा ये प्लस वन। अब देखो b इंटू ए को मैं a इंटू बी लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है 2 इंटू, ये क्या आपके पास परिमेय संख्या है, 2 बट्टा 3 गुणा 5 बट्टे 6 करो, या 5 बट्टे 6 को पहले लिखो 2 बट्टा 3 को बाद में लिखो, गुणा करोगे सेम आएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या है आपस में इंटू के तहत कम्यूट करती हैं, कम्यूटेटिव होती हैं कह सकते हो। ठीक है ना, तो इसको आप इक्वेशन 2 कहिए। देखो ए बी प्लस वन, ये भी ए बी प्लस वन, यानी ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल आ रहा है। तो आप लिखना समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व
दो से क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ठीक, जब भी क्रम चेंज करके रिजल्ट सेम आ रहा है तो क्रम विनिमेय हो जाता है। फिर आप लिखना, अतः स्टार किस पे, क्यू पर, स्टार क्यू पर क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय है। फिर ऐसे ही आप साहचर्य चेक करना, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब साहचर्य की बात आती है, साहचर्य के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, तीन एलिमेंट। ठीक, तो मैं लिखूंगा, माना ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट कौन है आपके पास, क्यू। देखिए ए स्टार बी स्टार सी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए फिर सी के साथ उसको ऑपरेट कीजिए। ए स्टार बी, देखिए ए स्टार बी किस रूप में डिफाइंड है, दोनों का प्रोडक्ट करके वन ऐड कर दे रहे। आप भी ऐसा ही कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, ए इंटू बी प्लस वन। ठीक, ये तो इसको सॉल्व किया, फिर स्टार सी अलग से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो ये मेंबर है ना, पहला स्टार दूसरा कब कहूंगा, जब ये मेंबर सेट क्यू से आए, सेट क्यू से आए। मैंने कहा ए बी क्यू से हैं, ए और बी परिमेय संख्याएं हैं। देखिए दो परिमेय संख्याओं को अगर आप गुणा करो तो परिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय कभी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। अपरिमेय मिलने के लिए रूट चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर चाहिए होंगे आपको। ठीक है, यानी कि ये आपके पास परिमेय संख्या है, यानी कि इसमें कोई रूट नहीं आ रहा होगा। ठीक, बी आपके पास परिमेय संख्या है, कोई रूट नहीं आ रहा होगा। जब ये रूट से फ्री है, ये रूट से फ्री है, प्रोडक्ट करोगे वो भी तो रूट से फ्री रहेगा, है कि नहीं। फिर प्लस वन, रूट से फ्री है ये वाला, प्लस वन कर दोगे रूट थोड़ी ना जाएगा अपने आप। प्लस वन करके रूट कभी आया, ऐसा नहीं देखा ना आपने कि किसी नंबर पे प्लस वन कर दिया हो और रूट आ गया हो, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का प्रोडक्ट परिमेय, परिमेय में आप एक ऐड करो वो भी परिमेय। ठीक है, तो कहने का ये मीनिंग है कि ये पूरा परिमेय है, ये पूरा परिमेय है, और ये सी तो परिमेय लिया ही था हमने, यानी इसको मैं पहला मेंबर मान सकता हूँ क्योंकि सेट क्यू से ही आ रहा है, ये सेट क्यू से ही आ रहा है, इसलिए मैं पहला मेंबर ले सकता हूँ, ये क्यू से माना ही था आपने। ठीक हो गया, यानी कि ये पहला परिमेय नंबर, ये दूसरा परिमेय नंबर, उनके बीच स्टार, उनके बीच ऑपरेशन क्या है, स्टार। ये फिर से इस रूप में डिफाइंड होगा ना, पहला इंटू दूसरा प्लस वन, अपने शब्दों में क्या होगा, पहला इंटू दूसरा प्लस वन। अब यहाँ डिफाइन करो फिर, पहला इंटू दूसरा प्लस वन, यानी पहले की जगह ये पूरा एलिमेंट आएगा, पहला इंटू दूसरा प्लस वन। तो आप लिखोगे इसको ए बी प्लस वन, पहला इंटू दूसरा, दूसरा कौन है सी, फिर प्लस वन कर दे रहा अलग से प्लस वन। इस रूप में मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी प्लस सी से वन मल्टीप्लाई हुआ तो सी प्लस वन अलग से, इसको मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ। ठीक, फिर ऐसे ही ब्रैकेट शिफ्ट कर दूंगा, ए बी के साथ ब्रैकेट था ना, बी सी के साथ ब्रैकेट दिखा दूंगा, देखूंगा कि रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए, अगर इसके बराबर आ गया तो कहूंगा साहचर्य है, नहीं आ रहा है तो साहचर्य नहीं है। ठीक, तो अब मैंने दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी का, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना, जहाँ ब्रैकेट है पहले उनको सॉल्व करूंगा मैं, यानी कि ए को अभी रो के रखूंगा ए स्टार, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है मैथ्स में। बी स्टार सी का मीनिंग देखो ना, ए स्टार बी मीन्स क्या है, पहला इंटू दूसरा प्लस वन, यहाँ भी क्या होगा, पहला इंटू दूसरा प्लस वन, यानी बी इंटू सी प्लस वन हो जाएगा, बी इंटू सी प्लस वन। अब देखिए बी और सी क्या हैं, बी और सी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। मैंने अभी भी कहा था दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय ही होता है ना, परिमेय मीन्स रूट से फ्री होगा, परिमेय मीन्स ये भी रूट से फ्री होगा। दो बिना रूट वाले संख्याओं का गुणा करोगे तो रूट, बिना रूट वाला ही संख्या आएगा, बिना रूट वाला मीन्स परिमेय संख्या आएगी, और बिना रूट वाले संख्या में एक जोड़ोगे कभी रूट नहीं आएगा, वापस परिमेय ही मिलेगा आपको। ठीक हो गया, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय, इस परिमेय में आपने एक जोड़ा वो भी परिमेय, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक,
यानी कि दूसरा प्रमेय नंबर इसको माना जा सकता है। पहला प्रमेय कौन होगा? ए। यानी कि पहला प्रमेय ये, दूसरा प्रमेय, उन दोनों के बीच ऑपरेशन स्टार किस रूप में डिफाइंड है? पहला इंटू दूसरा प्लस वन। तो ये भी क्या हो जाएगा? पहला इंटू दूसरा ये पूरा, फिर प्लस वन। ठीक है, तो इक्वल टू मैं ऊपर लिख देता हूं इसी को। तो किस रूप में हो जाएगा? पहला, पहला कौन है? ए इंटू दूसरा, दूसरा कौन आ जाएगा? बी सी प्लस वन, फिर प्लस वन ऐड कर दे रहा था ना ऑपरेशन में। क्या कर रहा था? पहला इंटू दूसरा प्लस वन के रूप में स्टार डिफाइंड है, तो वही क्या मैंने पहला इंटू दूसरा प्लस वन अलग से। देखो प्रोडक्ट कीजिए, ए बी सी प्लस ए प्लस वन इक्वेशन, इसको मैं क्या कह दू, टू वन, टू ऊपर का होगा ना, इसको थ्री मान लो, फिर इसको फोर मान लो। अब देखो थ्री फोर में देखिए, ए बी सी, ए बी सी ठीक है, यहां पर प्लस वन ठीक है, यहां पर ए आ रहा है, यहां पर सी आ रहा है, देखो अलग अलग आ गए ना, ए और सी बराबर थोड़ी ना होंगे, कुछ भी ले सकता हूं मैं ए सी की जगह, ऑलवेज इक्वल थोड़ी ना होंगे, है ना, सी है यहां पर ए है, ठीक, अनइक्वल है, फिर दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे समीकरण तीन चार से, तीन व चार से, तीन और चार से क्या हो जाएगा फिर? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू नहीं है, सॉरी नॉट इक्वल टू लिखोगे क्या? ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट शिफ्ट करने पर रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, तो स्टार सेट क्यू पर साहचर्य नहीं है, तो लिखोगे अतः स्टार जेड पे नहीं क्यू पर, क्यू दिया था आपको ना, अतः स्टार क्यू पर साहचर्य नहीं है। कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, ठीक। इसी का अगला पार्ट करते हैं, देखिए अगला पार्ट है इसमें क्यू में, इसका तीसरा पार्ट है क्यू में, ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टे दो, ए बी बट्टे दो है ना, सेट आपके पास क्यू है और उसमें जो ये द्विआधारी संक्रिया स्टार किस रूप में डिफाइंड है, दोनों का प्रोडक्ट करके बट्टे दो कर देगी, ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिर आपने क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव है या नहीं, साहचर्य है या नहीं, ठीक। तो फिर वही लिखना, दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्यू, दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्यू, फिर लिखना द्विआधारी संक्रिया स्टार, द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट किस रूप में डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, ठीक। अब साहचर्य की बात करेंगे, ओ सॉरी क्रम विनिमय की पहले बात कर लेते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए आपको कितने एलिमेंट चाहिए? दो, ठीक। तो मैं लिख दूंगा, माना ए बी बिलोंगिंग टू सेट क्यू, लिख देना माना ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू क्यू, क्यू मीन्स परमेय संख्या, ठीक। अब ए स्टार बी इक्वल टू पहला इंटू दूसरा बट्टे दो के रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, इसको मैंने इक्वेशन वन का, फिर ऐसे इनका क्रम चेंज कर दो, अगर मैं बी स्टार ए क्रम चेंज कर दिया, अब देखो रिजल्ट, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, पहला कौन बी, दूसरा कौन ए बट्टे दो। देखिए ए परमेय संख्या बी परमेय संख्या है ना, आपके पास जैसे दो बट्टा तीन परमेय संख्या है, पांच बट्टे छह परमेय संख्या है, ठीक है, इन दोनों का ऐसे गुणा कर लो, या फिर पांच बट्टे छह गुणा दो बट्टा तीन कर लो, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना। ये कितना होगा? अठारह और दस, दस बट्टे अठारह होगा, ये कितना आएगा? पांच दूनी दस, ये दस बट्टे अठारह, दस बट्टे अठारह, ठीक। यानी जो परमेय संख्याएं होती हैं वो इनटू के तहत तो क्रम विनिमय होती हैं,
ठीक है ना, यानी कि b इंटू ए को मैं a इंटू बी लिख सकता हूँ, a इंटू बी बट्टे दो। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह दूं। देखो इक्वेशन वन में भी ए बी बट्टे दो, इक्वेशन टू में भी ए बी बट्टे दो, दोनों सेम है। तो लिखना समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से क्या आ जाएगा, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः स्टार किस पर, समुच्चय Q पर, अतः स्टार Q पर क्रम विनिमेय है। स्टार Q पर क्रम विनिमेय है, ऐसे ही आप साहचर्य की बात करोगे, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब साहचर्य की बात करते हैं, साहचर्य में कितने मेंबर चाहिए आपको, तीन। लिख देना माना ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट कौन आपका, क्यू परिमेय संख्या। ठीक, इसमें आपको क्या दिखाना होगा, ए स्टार बी को एक साथ लेके स्टार सी है ना, इक्वल टू कितना आएगा फिर, ए स्टार बी किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो स्टार सी। ठीक हो गया। अब देखो जो स्टार है किन दो एलिमेंट के लिए डिफाइंड कर रखा उसने, क्यू के लिए, यानी कि स्टार इस मेंबर के बीच है। सी तो चलो कौन है, क्यू परिमेय संख्या, इसने भी तो परिमेय होना चाहिए तब तो डिफाइन कर पाएंगे हम। देखो ये परिमेय है या नहीं, देखो ए और बी क्या है, परिमेय संख्या। तो मैं जानता हूं दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय होता है, बहुत बार बता चुका क्यों होता है। ठीक, दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय होगा, दो परिमेय बट्टा दो कर दो, परिमेय का आधा रूट तो आ ही नहीं जाएगा किसी का, जैसे कोई परिमेय संख्या है तीन, इसका तुम आधा कर लो तीन बट्टा दो, रूट थोड़ी ना आएगा अपने आप उधर के। ठीक है ना, रूट के लिए तो अलग से कोई प्रोसेस चाहिए ना, स्क्वायर रूट चाहिए, कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा तब जाके रूट आना चाहिए, उसका रूट दिखना चाहिए तब जाके तो रूट आएगा, है ना। ए बी में कहीं रूट नहीं है, गुणा करके कभी रूट नहीं आएगा, है ना, बट्टा दो करके कभी रूट नहीं आएगा, है ना। किसी नंबर का ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर का आपने बट्टे दो कर दिया रूट दिख गया हो, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक हो गया, तो आपके पास ये परिमेय संख्या है, दो परिमेय का गुणा परिमेय, परिमेय का बट्टा दो परिमेय, यानी कि इसको आप पहला नंबर मान सकते हो परिमेय है, ये दूसरा परिमेय पहले से। ठीक, पहला परिमेय स्टार दूसरा परिमेय किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, दोनों का गुणा बट्टे दो, तो किस रूप में डिफाइंड हो जाएगा, दोनों का गुणा कीजिए, ए बी बट्टे दो इंटू सी फिर बट्टे दो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी बट्टे दो बट्टे दो, ये अपॉन में था ये भी अपॉन में था तो गुणा हो जाएंगे आपस में। ठीक, तो कितना जाएगा ये ए बी सी, और ये दो इसके साथ गुणा में चले जाएगा, दो गुणा दो कितना जाएगा चार, यानी ए बी सी बट्टे चार आ गया। इसको मैंने कहा इक्वेशन वन, हमने इसके लिए क्रम विनिमेय प्रूफ कर दिया था। अगर क्रम विनिमेय प्रूफ नहीं किया है तो कर दिया था शायद, ठीक है ना, अगर क्रम विनिमेय प्रूफ नहीं किया था तो देखो ऐसा होगा, ए स्टार बी बराबर इतना था एंड बी स्टार ए बराबर कैसे हो जाएगा, ए बी यानी कि बी इंटू ए बट्टे दो, बी इंटू ए को आपने ए बी बट्टे दो किया, कर दिया था शायद ना, क्रम विनिमेय कर दिया ना हमने, दिमाग से निकल गया मेरा कि क्रम विनिमेय हमने किया या नहीं, सीधे साहचर्य तो निकल दिया। ठीक, अगर क्रम विनिमेय नहीं किया है तो सीधे सीधे हो जाएगा, देखो ए बी बट्टे दो रहा है वहाँ, बी ए बट्टे दो को ए बी बट्टे दो लिख सकते हो, यानी कि दोनों रिजल्ट सेम आएंगे तो क्रम विनिमेय हो जाएगा, अगर नहीं किया था तो ऊपर देख लेना एडिक, वैसे जहाँ तक मुझे याद है मैंने करा दिया था क्रम विनिमेय। ठीक, साहचर्य पे हम बात कर रहे हैं, इसमें इक्वेशन नंबर अगर टू थ्री वन टू पर माना होगा तो इसको थ्री मान लीजिए, इसको आप थ्री। अब देखो ब्रैकेट शिफ्ट करके क्या आएगा, अगर आप ब्रैकेट शिफ्ट कर देते हो तो क्या आएगा, अब मैं अगले दो में ब्रैकेट लूंगा, ए स्टार
बी स्टार सी, ए स्टार तो ठीक है, बी स्टार सी देखिए, बी और सी परिमेय संख्या स्टार के रूप में डिफाइन है, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, यानी बी इंटू सी बट्टे दो। फिर वही स्टार किन दो नंबर्स पर परिभाषित किया है क्वेश्चन में, परिमेय संख्याओं पर, ये तो परिमेय है, इसने परिमेय होना चाहिए, बी और सी परिमेय है, दो परिमेय का गुणा परिमेय होता है, एक परिमेय बट्टे दो करो, किसी भी परिमेय संख्या को दो से भाग दे दो तो भी परिमेय रहेगा, यानी कि अपने आप में परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या उनके बीच ऑपरेशन स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे दो, पहला ए इंटू दूसरा बी सी बट्टे दो, फिर बट्टे तो कितना आ जाएगा ये ए बी सी, ये दो इसके साथ गुणा में चले जाएगा बट्टे चार, ए बी सी बट्टे चार, ए बी सी बट्टे चार, ठीक। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फोर कहोगे, आप देख सकते हो थ्री और फोर से दोनों रिजल्ट सेम आ रहे, तो आप लिखोगे समीकरण तीन व चार से, समीकरण तीन चार से क्या लिखोगे, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी ब्रैकेट शिफ्ट करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अर्थात स्टार किस पर, सेट क्यू दे रखा है ना, सेट स्टार क्यू पर क्या है, क्रम सॉरी साहचर्य है, साहचर्य है, ठीक। तो आपके पास क्रम इनमें भी है और साहचर्य भी, ठीक हो गया। टाइम हो चुका है, अब इसमें एक तत्समक अवयव और व्युत्क्रम अवयव, जो कि होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें।